नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार से हर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। 11,581 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कानपुर में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल से राज्य के 3 दिन के दौरे पर। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे शनिवार से कोविन ऐप पर पंजीकरण करा सकेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 141 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.40%। सरकार ने वाहनों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए ऑटोमोबाइल निर्माताओं को फ्लेक्स ईंधन वाहन और फ्लेक्स ईंधन मजबूत हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन बनाने की सलाह दी। पहला काशी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से वाराणसी में शुरू। और खेलों में, हॉकी इंडिया ने भारतीय खेल प्राधिकरण बेंगलुरु में महिला राष्ट्रीय शिविर के लिए 60 खिलाड़ियों का चयन किया। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं लवली निगम। देश कोविड अभियान टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804646 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को डबल इंजन की सरकार से बहुत लाभ हुआ है और राज्य में हर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। श्री मोदी ने राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर मंडी जिले में एक जनसभा को संबोधित किया। आज डबल इंजन की सरकार के भी 4 साल पूरे हुए। सेवा और सिद्धि के इन 4 सालों के लिए हिमाचल के जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इतनी बड़ी तादाद में और ऐसी कड़ाके की ठंड में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आना, इसका मतलब ही है कि इन 4 साल में हिमाचल को तेज गति से आगे बढ़ते हुए आपने देखा है। श्री मोदी ने कहा कि यदि केंद्र और राज्य में एक ही राजनीतिक दल की सरकार हो तो विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का काम तेजी से होता है। श्री मोदी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सरकार के 4 साल पूरा होने पर बधाई दी और कहा कि राज्य के लोग सरकार की उपलब्धियों से संतुष्ट हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 11,581 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। यहां थोड़ी देर पहले 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 4 बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का शिलान्यास या फिर लोकार्पण भी किया गया है। इनसे हिमाचल की आय बढ़ेगी और रोजगार के हजारों अवसर भी बढ़ेंगे। सावड़ा कुंडू प्रोजेक्ट हो, लूहरी प्रोजेक्ट हो, धौला सिद्ध प्रोजेक्ट हो या रेणुका जी प्रोजेक्ट, ये सभी हिमाचल की आकांक्षा और देश की आवश्यकता की पूर्ति दोनों के माध्यम से होने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गिरी नदी पर श्री रेणुकाजी बांध परियोजना के निर्माण से बड़े क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा। रेणुकाजी के स्नेह की प्रतीक इस भूमि से आज देश के विकास के लिए भी एक धारा निकली है। गिरी नदी पर बन रही श्री रेणुकाजी बांध परियोजना जब पूरी हो जाएगी तो एक बड़े क्षेत्र को
इससे सीधा लाभ होगा। इस प्रोजेक्ट से जो भी आय होगी उसका भी एक बड़ा हिस्सा यहीं के विकास पर खर्च होगा। प्रधानमंत्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने पर जोर दिया और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए मिलकर प्रयास करने को कहा। पहाड़ों को प्लास्टिक की वजह से जो नुकसान हो रहा है हमारी सरकार उसे लेकर भी सतर्क है। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ देशव्यापी अभियान के साथ ही हमारी सरकार प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर भी काम कर रही है। प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करके आज उसका इस्तेमाल सड़क बनाने में हो रहा है। मैं हिमाचल आने वाले सभी पर्यटकों से भी आग्रह करना चाहता हूं, हिमाचल को स्वच्छ रखने में, प्लास्टिक और अन्य कचरे से मुक्त रखने में पर्यटकों का भी दायित्व बहुत बड़ा है। इधर उधर फैला प्लास्टिक, नदियों में जाता प्लास्टिक हिमाचल को जो नुकसान पहुंचा रहा है उसे रोकने के लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा। श्री मोदी ने राज्य में कोविड रोधी टीके की दोनों डोज देने का शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार को बधाई दी। हिमाचल ने अपनी पूरी वयस्क जनसंख्या को वैक्सीन देने में बाकी सबसे बाजी मार ली है। यहाँ जो सरकार में है वो राजनीतिक स्वार्थ में डूबे नहीं है, बल्कि उन्होंने पूरा ध्यान हिमाचल के एक एक नागरिक को वैक्सीन कैसे मिले इसमें लगाया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य में एम्स, पीजीआई और कई अस्पताल तथा शिक्षा संस्थान स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह हिमाचल के विकास के लिए निवेश का दूसरा दौर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना के पूरे हो चुके रेलखंड का उद्घाटन करेंगे। वे बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। आईआईटी कानपुर से मोती झील तक के इस खंड की लंबाई 9 किलोमीटर है। इस समूची मेट्रो रेल लाइन की लंबाई 32 किलोमीटर है। इसके निर्माण पर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। प्रधानमंत्री इस परियोजना का निरीक्षण करेंगे और इसमें सवार होकर आईआईटी मेट्रो स्टेशन से गीतानगर तक जाएंगे। 356 किलोमीटर लंबी बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना की आपूर्ति क्षमता प्रतिवर्ष लगभग 34,50,000 मीट्रिक टन है। इससे बीना रिफाइनरी से पेट्रोलियम उत्पादों को क्षेत्र तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगे। आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में एक साल बाद लोग सशरीर मौजूद रहेंगे, क्योंकि पिछले साल ये वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया था। ये भारत में पहली बार होगा जब बायो बबल के अंदर कोई दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर कुल 1723 छात्र छात्राएं डिग्रियां प्राप्त करेंगे और 80 पुरस्कार और मेडल प्रदान किए जाएंगे। दीक्षांत समारोह के दूसरे सत्र में 21 छात्रों को उत्कृष्ट पीएचडी थीसिस पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 3 प्रतिष्ठित व्यक्तियों प्रोफेसर रोहिणी एम गोडबोले, सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्णन और पंडित अजय चक्रवर्ती को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, कानपुर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा के नेतृत्व में आयोग का पूर्ण दल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल लखनऊ जाएगा। 3 दिवसीय दौरे के दौरान दल के सदस्य विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करेंगे। बुधवार को दल के सदस्य राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और गृह तथा व्यय विभाग के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को समाप्त हो रहा है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज निर्वाचन आयोग के उन राज्यों में कोविड की स्थिति से अवगत कराया जहां अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। स्वास्थ्य सचिव ने 23 दिसंबर को इन राज्यों में कम कवरेज वाले जिलों में टीकाकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया था। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने की संभावना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में कोविड की स्थिति का जायजा लेने के लिए विशेष टीमें भेजी हैं। 15 से 18 वर्ष के किशोर पहली जनवरी से कोविन ऐप पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे।
कोविन प्लेटफॉर्म के प्रमुख डॉक्टर आरएस शर्मा ने कहा है कि विद्यार्थियों के लिए पंजीकरण के वास्ते अलग से पहचान पत्र की व्यवस्था की गई है, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों के पास आधार या अन्य पहचान पत्र नहीं है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान ये पूछा जाएगा कि उन्हें अन्य कोई बीमारी है या नहीं। यदि है तो टीकाकरण केंद्र पर पंजीकृत डॉक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही उन्हें टीका लगाया जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि यदि किसी की आयु 60 वर्ष से अधिक है और उसे टीके की दोनों खुराक लगी हैं और 9 महीने से अधिक समय हो गया है तो वो व्यक्ति भी टीका लगवाने का पात्र होगा। आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हर्ष पेमडे ने बताया कि टीके की अतिरिक्त डोज कोरोना से बचने में मददगार होगी। अतिरिक्त डोज अगर सभी को मिल जाएगी तो कोविड से लड़ने में वो अधिक सक्षम हो जाएंगे। दूसरी ओर हम अगर अपने स्वास्थ्य कर्मियों को देखें तो उनको भी एक अतिरिक्त डोज की आवश्यकता है, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी ज्यादा संपर्क में आते हैं कोविड के मरीजों के, इसलिए स्वास्थ्य कर्मियों को भी एक तीसरी डोज लगाने का निर्णय किया गया है। इससे इनकी प्रतिरोधक क्षमता और अधिक बढ़ेगी। बच्चों को भी इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है, उनको तो कोविड की वैक्सीन अभी तक लगी नहीं है, तो उनको अगर हम वैक्सीन लगाएंगे तो उनमें भी कोविड की बीमारी होने का खतरा कम हो जाएगा और बहुत अधिक आत्मविश्वास के साथ वो स्कूल जा पाएंगे, कॉलेज जा पाएंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 141 करोड़ 73 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.4% हो गई है, जो पिछले वर्ष मार्च के बाद सबसे अधिक है। कल 7,141 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए और 6,531 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 578 मरीज सामने आए हैं। सबसे अधिक 142 मरीज दिल्ली में, महाराष्ट्र में 141 और केरल में 57 मरीज हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ओमिक्रॉन संक्रमण से अब तक 151 लोग स्वस्थ हुए हैं। गृह मंत्रालय ने कोविड की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर स्थानीय और जिला स्तर पर दूरदृष्टि, डाटा विश्लेषण, ठोस निर्णय लेने, सख्त और त्वरित कार्रवाई करने पर जोर दिया है। गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे कोविड अनुकूल व्यवहार के नियमों को सख्ती से लागू करें। कोविड के बढ़ते मरीजों के कारण राजधानी दिल्ली में रात का कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। कर्फ्यू रात 11 बजे से सवेरे 5 बजे तक लागू रहेगा। हालांकि कर्फ्यू के दौरान अंतर राज्य आवाजाही, आवश्यक और गैर जरूरी वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए अलग से अनुमति या ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। वैध टिकट दिखाने पर हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण अगले महीने की 3 तारीख से शुरू होगा। इन्हें केवल कोवैक्सीन टीका ही लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज बच्चों के लिए टीकाकरण और स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर तथा किसी अन्य रोग से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए एहतियाती डोज के बारे में दिशा निर्देश जारी किए। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविन पर पंजीकरण अगले महीने की 1 तारीख से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 25 तारीख को इसकी घोषणा की थी। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर के सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। आकाशवाणी से आज रात हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित होने वाले फोन इन कार्यक्रम में कोरोना जागरूकता श्रृंखला में नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल कोरोना वायरस से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ रहेंगे। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता विशेषज्ञ से टेलीफोन नंबर 0112342-1230 और 0112342-1746 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। श्रोता अपने प्रश्नों को #AskAIR द्वारा हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlert पर भी भेज सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। चाहते हो जिंदगी में भरना उड़ान,
अगर आपकी मंजिल हो आसमान, गर्व हो महसूस पहनकर यूनिफॉर्म, तो ज्वाइन करिए इंडियन एयरफोर्स। भर्तियां 1 दिसंबर 2021 से शुरू। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए careerindianairforce.cbac.in पर लॉगिन करिए। काशी एक ऐसा नगर जिसकी भव्यता है भगवान विश्वनाथ से। इस भव्यता को और भव्य बना रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। विश्व के सबसे प्राचीन मंदिर का हो रहा है लोकार्पण। इस महत्वाकांक्षी योजना से मंदिर चौक के व्यूइंग पॉइंट से माँ गंगा और बाबा के स्वर्ण जड़ित शिखर का दर्शन एक साथ होगा। यहाँ मौजूद एम्पोरियम में देश की हस्तनिर्मित हैंडीक्राफ्ट आदि चीजें भी एक छत के नीचे मिल सकेंगी। महापर्वों पर मंदिर चौक प्रांगण में 5,000 दर्शनार्थी के एक साथ खड़े होने की व्यवस्था होगी। मंदिर परिसर के पूर्वी द्वार से बाहर निकलते ही आप मंदिर चौक के विशाल एरिया में पहुंच जाएंगे। यह सूचना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रसारित। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबके प्रयास से हो रहा है राष्ट्र निर्माण, जिसमें इनकम टैक्स है आपका योगदान। और जब ई फाइलिंग से हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न भरना इतना आसान, तो फिर देर क्यों करें? 31 दिसंबर 2021 या उससे पहले www.incometax.gov.in पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ई फाइल करना ना भूलें। समय से इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर रिफंड भी जल्दी आ जाते हैं। लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। लोन और वीजा एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग में भी ITR सहायक है। नए ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ से भी अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं, तो फिर आप भी समय ना गवाएं। आज ही अपने इनकम टैक्स रिटर्न को ई फाइल करें। अधिक जानकारी और रिटर्न फाइल करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,581 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कहा, राज्य में हर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। श्री नरेंद्र मोदी कल कानपुर में मेट्रो रेल के पूरे हो चुके खंड और अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। IIT कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। निर्वाचन आयोग ने कल से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, चिकित्सा कर्मियों तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीकाकरण के दिशा निर्देश जारी। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण के लिए शनिवार से कोविन ऐप पर पंजीकरण कराया जा सकेगा। कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण दिल्ली में आज से रात्रि कर्फ्यू लागू। 3 दिन का पहला काशी भारती अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से वाराणसी में। सेंचुरियन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2रे दिन का खेल वर्षा के कारण नहीं हो सका। और हॉकी इंडिया ने भारतीय खेल प्राधिकरण बेंगलुरु में महिला राष्ट्रीय शिविर के लिए 60 खिलाड़ियों का चयन किया। केंद्र सरकार ने देश में ऑटोमोबाइल निर्माताओं को 6 महीने के अवधि के भीतर समयबद्ध तरीके से BS6 मापदंडों का अनुपालन करने वाले फ्लेक्स ईंधन वाहनों और फ्लेक्स व्हील स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को शुरू करने की सलाह दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ये सुझाव प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण और परिवहन ईंधन के रूप में इथेनॉल को बढ़ावा देने की सरकार की नीति के अनुरूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि फ्लेक्स ईंधन वाहन 100% पेट्रोल या 100% बायो इथेनॉल तथा उनके मिश्रणों के संयोजन पर चलने में सक्षम है। श्री गडकरी ने कहा कि इस कदम से वाहनों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारी कमी आएगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि खरीफ विपणन सीजन 2021-22 में 443 लाख टन से अधिक की धान खरीदी गई। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि लगभग 87,000 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद से 47 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचा है। किसानों से MSP पर धान की खरीद सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। पहला काशी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज वाराणसी में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री नीलकंठ तिवारी ने इसका उद्घाटन किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कल 2रे दिन महोत्सव में उपस्थित रहेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि काशी फिल्म महोत्सव की कल्पना हमने पिछले महीने ही की थी।
काशी फिल्म फेस्टिवल की कल्पना जो हमने पिछले महीने ही गोवा के अंदर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा था तब कल्पना साकार की गई कि हमें उत्तर प्रदेश में जो कि इतना महत्वपूर्ण राज्य है और इतनी फिल्मों को और इतने सारे कलाकारों को देता आया है तो यहां पर भी एक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होना चाहिए। तीन दिन के इस महोत्सव में भारतीय शास्त्रीय संगीत तथा नृत्य और विख्यात दार्शनिकों कवियों लेखकों तथा संगीतज्ञों के बारे में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में वर्षांत 2021 के विशेष संस्करण में केंद्रीय ऊर्जा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के साथ विशेष भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। श्री आर के सिंह ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य दोनों योजनाएं बहुत सफल रही हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत 18,000 से अधिक गांवों और सैकड़ों हजारों गांवों में निर्बाध बिजली पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि 28 लाख से अधिक घरों को बिजली पहुंचाई गई है। Our intention is to modernize the system. We call it a new scheme, what exactly was, whereby we are giving money for digital systems, automatic systems like SCADA systems, DMS. So all these are systems which manage the network in a smart way. They are smart systems. So if there is any defect anywhere, they sort of bypass it. So our next vision is modernizing these systems. ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर आज रात 9:15 बजे से सुना जा सकता है। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है, हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नम्बर 144-04 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी, जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। सत्ताईस दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया था। ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित बंगाली भजन भारतो भाग्य विधाता का शुरुआती अंश है। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगो सिंधु हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जल सितरंग। भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को देश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। राष्ट्रगान के प्रति सम्मान भारत में एक मौलिक कर्तव्य है। संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों तथा संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। आज हम स्वतंत्रता सेनानी माखन सिंह को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने दो देशों, अपनी जन्मभूमि भारत और अपनाई हुई मातृभूमि केन्या में राष्ट्रवादी आंदोलनों में शामिल होकर ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने में मदद की। उनका जन्म 27 दिसंबर 1913 को तत्कालीन पंजाब के गुजरांवाला जिले में हुआ था।
13 साल की उम्र में वो अपने परिवार के साथ केन्या के नैरोबी चले गए। माखन सिंह ने सीमाओं को पार किया और अफ्रीकी लोगों को साथ लेकर अंग्रेजों का मुकाबला करने का फैसला किया। केन्या भी गदर पार्टी का केंद्र था और माखन सिंह, गोपाल सिंह चंदन तथा वासुदेव सिंह इसके प्रमुख आयोजक थे। दिसंबर 1939 में माखन सिंह बॉम्बे और अहमदाबाद में मजदूर वर्ग की स्थितियों और श्रमिक संघवाद के कामकाज का अध्ययन करने के लिए भारत रवाना हो गए। भारत में उन्होंने बॉम्बे में सभाओं को संबोधित किया और एक अफ्रीकी प्रतिनिधि के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रामगढ़ सत्र में भाग लिया। माखन सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और बिना किसी आरोप के अगले 2 वर्ष तक एक जेल से दूसरे जेल में भेजते रहे। रिहा होने के बाद माखन सिंह का आंदोलन 2.5 साल तक उनके पैतृक गांव गुजरावाला तक सीमित रहा। आखिरकार जनवरी 1945 में उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने जंगे आजादी अखबार के साथ काम करना शुरू किया। जब भारत ने 15 अगस्त 1947 को आजादी हासिल की, तब माखन सिंह केन्या चले गए। केन्या में माखन सिंह ने केन्या युवा सम्मेलन का आयोजन किया और पूर्वी अफ्रीकी ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महासचिव के रूप में सक्रिय हो गए। उन्हें 1950 में औपनिवेशिक सरकार ने हिरासत में ले लिया। वे केन्या के प्रसिद्ध माऊ माऊ विद्रोह के दौरान सलाखों के पीछे रहे। माखन सिंह ने 1961 तक 12 साल जेल में बिताए। 1963 में केन्या को स्वाधीनता मिली और माखन सिंह को देश में स्थायी निवास प्रदान किया गया। वे अंत तक अलगाव की राजनीति को चुनौती देने के लिए प्रतिबद्ध रहे और अपने अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के माध्यम से महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला जैसे महान नेताओं के बीच अपना स्थान बनाया। संतांचा भूमि सा तू भारत पुत्र संतांचा भूमि। आज हम सामाजिक कार्यकर्ता पंजाब राव श्यामराव देशमुख को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 27 दिसंबर 1898 को हुआ था। वे भाऊ साहेब देशमुख के नाम से लोकप्रिय थे। वे महात्मा फुले के सत्य शोधक समाज से जुड़े थे और उन्होंने अंबाबाई मंदिर अमरावती में तथाकथित निम्न जातियों के प्रवेश के लिए सत्याग्रह किया था। इस आंदोलन में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनका साथ दिया। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। सेंचुरियन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल वर्षा के कारण नहीं हो सका। कल पहले दिन भारत ने 3 विकेट पर 272 रन बनाए थे। उधर अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया है। हॉकी इंडिया ने भारतीय खेल प्राधिकरण बेंगलुरु में आज से शुरू हुए सीनियर महिला राष्ट्रीय शिविर के लिए 60 खिलाड़ियों का चयन किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,581 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। कहा, राज्य में हर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। श्री नरेंद्र मोदी कल कानपुर में मेट्रो रेल के पूरे हो चुके खंड और अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। निर्वाचन आयोग कल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, चिकित्सा कर्मियों तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीकाकरण के वास्ते दिशा निर्देश जारी। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण के लिए शनिवार से कोविन ऐप पर पंजीकरण कराया जाएगा। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में आज से रात्रि कर्फ्यू लागू। 3 दिन का पहला काशी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से वाराणसी में। सेंचुरियन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे दिन का खेल वर्षा के कारण नहीं हो सका। और हॉकी इंडिया ने भारतीय खेल प्राधिकरण बेंगलुरु में महिला राष्ट्रीय शिविर के लिए 60 खिलाड़ियों का चयन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।